राहुल गांधी के समर्थन में निकलने वाली भारत जोड़ो यात्रा को लेकर साहिबगंज जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनुकूल मिश्रा ने होटल अभिनव श्री में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया। साहिबगंज के कई बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं विभिन्न सेक्युलर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से आग्रह पर अनुकूल मिश्रा ने ये संकल्प लिया कि हम सब राहुल गांधी के समर्थन में साहिबगंज की ऐतिहासिक भूमि से भारत जोड़ो यात्रा निकालकर वीर क्रांतिकारी सिद्धू कान्हू के जन्मस्थल भोगनाडीह की मिट्टी और झारखंड के एकमात्र साहिबगंज जिले से होकर गुजरने वाली मां गंगे का जल राहुल गांधी को समर्पित करेंगे। अनुकूल मिश्रा ने कहा कि ये यात्रा 5 नवंबर से साहिबगंज स्टेशन से शुरू होकर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर तक जाएगी। 55 दिनों की यात्रा की दूरी लगभग 1470 किलोमीटर की होगी। श्री मिश्रा ने बताया कि इस यात्रा में लगभग 30 स्वयंसेवकों होंगे, जिनमें कई राजनीतिक दलों एवं सामाजिक क्षेत्रों में जुड़े लोग होंगे। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि इस भारत छोड़ो यात्रा को लेकर मेरा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, बल्कि मैं जब भी महात्मा गांधी जी के द्वारा देश की आज़ादी के लड़ाई में किए गए आंदोलनों के बारे में पढ़ता था तो मैं हमेशा सोचता था कि काश मैं भी आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दे पाता। मेरी नज़र में भारत छोड़ो यात्रा का उद्देश्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। देश को जोड़ने और देश की शांति, एकता, भाईचारा, संविधान बचाने की इस यात्रा में अगर मैं अपना कुछ योगदान दे पाया तो मैं अपने जीवन को सफल मान लूंगा। कहते हैं कि एक यात्रा जो राहुल जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकला है और वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगा, वो 3570 किलोमीटर का यात्रा है। उससे लोग प्रभावित हुआ है, हम खुद प्रभावित हुए हैं, ऊर्जोस्वित होते हुए हैं। हम राहुल जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतना बड़ा बीड़ा उन्होंने उठाया, जो कि मैंने लग नहीं रहा था कि इसको पूरा किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि हम कुछ भी कर सकते हैं देश के लिए। देश के लिए सर्वस्व निछावर करने के लिए वो आदमी निकल पड़ा है। उसी के प्रति हम लोगों को भी दर्द है कि जब राहुल जी इतना कर सकते हैं, इस तरह का एक्शन कर सकते हैं, तो हम लोग भी राहुल गांधी को समर्थन करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हम लोग 1400 किलोमीटर का यात्रा बुलंदशहर तक जाएंगे। बुलंदशहर वो पहुँचेंगे, उनको हम लोग झारखंड का जो भी क्रांति स्थल है पचखटिया और भवनाडीह, वहाँ के मिट्टी से, साहबगंज की उत्तर वाहिनी गंगा का जल से, बांझी का सखुआ से, ये सब लेकर के जाएंगे, उनको सौंपेंगे। और झारखंड का आपके साथ है आपकी किसी भी लड़ाई के लिए। ये कब से शुरू कर रहे हैं? ये शुरू हम लोग कर रहे हैं 5 नवंबर से, शनिवार का दिन है, उस दिन यहाँ से शुरू होगा। ये रेलवे स्टेशन से शुरू होगा और गांधी जी, रविन्द्रनाथ ठाकुर, अंबेडकर चौक, ये सब होते हुए पटेल जी को माल्यार्पण करते हुए विवेकानंद चौक, ये सब कर गांधी जी को माल्यार्पण करके चौक बाजार होते हुए हम लोग प्रस्थान करेंगे। कितना दिन का यात्रा है ये? यात्रा 55 दिन का है, 55 डेज का है। आप पहुंच जाएं और गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि बिना विघ्न ये यात्रा हम लोगों को सब पहुंचा दें। 30 लोगों ने अपना नाम इनरोल कर लिया है, और भी लोग बोल रहे हैं कि हमको रखिए, उसका फिटनेस जांच करना पड़ता है, उसका उम्र देखना पड़ता है, ये सब कर रहे हैं हम, और वो लिस्ट हम लोग बना लेंगे, उसको सर्टिफिकेट रहेगा, सारा चीज़ उनको आइडेंटिटी कार्ड रहेगा इस यात्रा के लिए, और हम लोग प्रस्थान करेंगे। और हम आपसे अनुरोध करते हैं सभी प्रेस के भाइयों से कि आप लोग इसमें हमारा सहयोग कीजिए, आपके मदद से ही हम आगे जा पाएंगे, आप ही हमारा संबल हैं। यहाँ के साहिबगंज के एनजीओ के जितने लोग हैं, 25 एनजीओ के लगभग लोग जिला भर का हमको बोले हैं कि हम आपको समर्थन देंगे, हर तरह का समर्थन देंगे, हर तरह। तो मेरा दिल गदगद हुआ है, कुछ एनजीओ के लोग तो बोले कि हम हर घर खटखटाएंगे साहिबगंज का, और 1 रुपया का भी कंट्रीब्यूशन आपके लिए लेंगे, मात्र 1 रुपया। तो हम बोले भाई आप जो करिएगा, आप लोग जानिए, हम तो नहीं है, हम आपका साथी हैं, हम जाने के लिए तैयार हैं और जाएंगे यात्रा में। उम्मीद है कि यात्रा आप लोगों के सहयोग से सानिध्य। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रदेश प्रतिनिधि मुर्शाद अली, जिला सचिव सरफराज आलम, मोहम्मद सलाउद्दीन, नितेश ओझा एवं रियाजुल शामिल थे। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए साहिबगंज झारखंड से अरविंद कुमार की रिपोर्ट।